हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रैफिक नियमों की पालना करने को लेकर ट्रैफिक इंचार्ज व ट्रैफिक कर्मियों ने वाहन चालकों को फूल देकर की समझाइश। बिना मास्क बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई और वसूली जाएगी जुर्माना राशि। ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए निर्देश। प्रदेश में कोविड-19 के चलते राजस्थान सरकार द्वारा बिना मास्क व बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान की राशि दुगनी से ज्यादा बढ़ाने व शराब पीकर वाहन चलाने सहित ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ राशि को दुगनी वसूली के आदेश दिए गए, ताकि कोई भी बिना हेलमेट बिना मास्क के वाहन न चलाए। साथ ही सप्ताह अभियान के तहत पाली के सूरजपोल पर ट्रैफिक इंचार्ज गीता सिंह सहित ट्रैफिक कर्मियों ने वाहन चलाने वाले चालकों को रोक कर फूल देकर ट्रैफिक नियमों की पालना करने की अपील की। ट्रैफिक इंचार्ज गीता सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी के निर्देश पर जागरूक सप्ताह आयोजन के तहत हमने राजपोल पर वाहन चालकों को रुकवाकर नियम की पालना करने सहित मास्क लगाकर वाहन चलाने व शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की। साथ ही ये भी समझाया कि अगर आप नियम की पालना नहीं करते हैं तो जुर्माना राशि सरकार द्वारा बढ़ाई गई है, जिसके अनुसार आपको जुर्माना राशि भरनी पड़ेगी। हमारी आपसे अपील है कि ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए ही वाहन चलाएं और वाहन चलाते समय मास्क पहनें, ताकि कोरोना से आप सुरक्षित रहें। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए गीता सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज पाली, इन्होंने ये कहा। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जो जुर्माना राशि बढ़ गई है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसी वीक एक जन जागृति अभियान रखा गया है। उसी के तहत आज गुलाब के फूल देके सूरज पॉल पर लोगों से समझाइश की गई है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, उसको ब्रेक नहीं करें, और जो जुर्माना राशि बढ़ गई है उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।